वरिष्ठ अधिकारी कर रहे होते हैं, और साथ ही सर मैगजीन भी निकालते हैं सागर बोध करके, तो उसके भी सर संपादक, सर का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और आज के सत्र में स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम का भी स्वागत करता हूँ जो लगातार निरंतर हमारे साथ सहयोग करते हैं ताकि एक अच्छा सुचारू रूप से चल सके। एक बार पुनः स्वागत कर आपका और आज के आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक। और मैं अभिषेक और पूरी OSIU की टेक्निकल टीम और साथ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं टेक्निकल टीम का कि उन्होंने ये प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी की। सुबह मेरा मोबाइल बंद था क्योंकि रात को स्विच ऑफ हो गया था, शायद कुछ परेशानी हो गई अभिषेक को कि सर ने आज टाइम दिया हुआ है और आज मोबाइल कैसे बंद है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है अभिषेक, जब मैंने दिया है समय तो उस समय उपलब्ध रहूंगा। खैर मैं शुरुआत करेंगे अभी हम लोग कक्षा की। मैं आशा करता हूँ कि अभी शायद 11 विद्यार्थी जुड़े हुए दिख रहे हैं, धीरे धीरे कुछ और विद्यार्थी जुड़ेंगे। पिछली बार हमने जो विषय लिया था उसमें भाषा विज्ञान का के तहत हमने रूप, रूपिंग और रूप के प्रकार के साथ साथ स्टार्टिंग में सूर, तान, अनुतान, बलाघात, हिंदी की ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर, व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण, ऐसी बहुत सारी चीजों का जो है हमने अध्ययन किया था। मैंने बल्कि पिक्चर के माध्यम से आपको सब स्थान, उच्चारण स्थान दिखाए थे, समझाए थे कि क्यों जो है हमारी देवनागरी लिपि और उसका जो वर्ण क्रम है और उसका जो पूरा ध्वनि विन्यास है वो क्यों इतना वैज्ञानिक माना जाता है और उसको पूरी व्यवस्थित तरीके से, उसको सुनियोजित तरीके से उसको बनाया गया है, और जब जैसे जैसे हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमको बहुत सारी अच्छी चीजें, नई चीजें जानने के लिए मिलती हैं भाषा विज्ञान के तहत। तो विषय में जाने से पहले मैं एक बार सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब आप भाषा विज्ञान जैसा थोड़ा सा गूढ़ और तकनीकी विषय और एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं तो उसमें ये जो व्याख्यान है ये आपको आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने में और जहां पे आपको कुछ शंका हो, जहां पे आपको कहीं परेशानी हो उसको दूर करने में आपको सहायक अवश्य हो सकते हैं। परंतु भाषा विज्ञान अध्ययन का विषय है और गूढ़ता से और इसका अध्ययन करना जरूरी है। तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि ये जो पुस्तक है भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, ये किताब आप जरूर रेफर करें और इसका अध्ययन आप पैरेलली समानांतर रूप से सर करते चले तो आपको पूरा विषय जो है वो और भी स्पष्ट तौर से आपके मस्तिष्क में आ पाएगा और आप उसको समझ पाएंगे। तो ये मेरा आग्रह है और उसके बाद हम लोग वापस विषय पे आते हैं। आज मेरी आवाज सबको आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इको नहीं है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं। नहीं सर, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है, आवाज और वीडियो दोनों स्पष्ट आ रही है। धन्यवाद। तो पहले पिछले कक्षा में हमने शब्द और रूप और ये सब व्यंजन आदि का अध्ययन किया, इस बार का जो विषय है वो है शब्द और पद। शब्द और पद पे आते हैं। देखिए मैं पहले बताऊं कि अभी आप जो क्लास 7th या 8th या 10th के जो विद्यार्थी नहीं है कि मैं उनको आपको उस तरीके से शब्द, विपरीत शब्द, अनुलोम विलोम, ये सब विलोम शब्द पढ़ाऊं और समानार्थी शब्द पढ़ाऊं, वो सब तो इसमें आएंगे, लेकिन अभी आपका जो कलेवर है पढ़ाई का, अध्ययन का जो कलेवर है वो बहुत विस्तृत है, ठीक है, तो उसको हम उस नजरिए से नहीं देख सकते, इसलिए आपको गहराई से आप इसका अध्ययन करें और इसके किसी भी भाषा के अंतर्गत व्यंजन, स्वर, ध्वनि, उसके साथ साथ शब्द, पद, रूप, इनका क्या महत्व होता है और कैसे ये भाषा के विकास में ये अपना योगदान करते चलते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब एक घर हम बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, तो उसका जो निर्माण होता है वो हमको दिखाई देता है छत के रूप में, दीवार के रूप में, लेकिन उसके दीवार के अंदर
भी बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, वो है ईंट, ब्रिक। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक से दीवार बनती है, दीवारों से कमरे बनते हैं, कमरों से पूरा मकान बनता है। वैसे ही भाषा जो है उसकी सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण, जिसे हम भाषा की ईंट कह सकते हैं। ध्वनि या वर्ण से फिर शब्द बनते हैं, और शब्दों से फिर पद बनते हैं, पदों से पदबंध बनते हैं, और पदबंध से आगे बढ़े तो वाक्य बनते हैं। वाक्य को हम एक बड़ी यूनिट के तौर पे हम भाषा में देखते हैं, क्योंकि एक वाक्य में हमको एक पूरी चीज समझ में आती है कि कहने वाला क्या कह रहा है। तो आज का जो हमारा विषय है, इसमें हम शब्द और पद को लेते हैं कि शब्द और शब्द क्या है, उसके बाद हम फिर पद पे जाएंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, यानी हर भाषा का अपना खुद का सार्थक शब्द समूह होता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण नीचे दिया गया, सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा सो ह न खीर मीरा खेलता शतरंज, इन वर्णों के समन्वय से ये सार्थक शब्द बने। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप उड़िया से हिंदी की तुलना अगर उड़िया से भी करेंगे, तो आप उड़िया में खीरी बोलते हैं, तो खीर शब्द जो है पूरी तरीके से उड़िया में सार्थक नहीं होता है, ठीक है। तो सार्थक वर्णों का जो समूह है उससे एक शब्द बनता है, क्योंकि अगर कोई मीनिंग नहीं देता, कोई सेंस नहीं देता है, तो हम उसको शब्द नहीं कह सकते। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसा आपने यहां देखा अलग अलग वर्ण है। सोहन कैसे बनाया, स जोड़ ओ जोड़ ह जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ, जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं, कि वर्ण समूह है आप या इनको अक्षर समूह आप कह सकते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। अब ये स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये जब ही रहते हैं, लेकिन जब आप इसको किसी वाक्य में प्रयोग करें तो वो वाक्य का हिस्सा बन जाते हैं। फिर व्याकरण की दृष्टि से हम उसका नाम कुछ और रख देते हैं, जैसे हम उसको पद कहते हैं या पदबंध कहते हैं, लेकिन जब वो स्वतंत्र रहते हैं तब हम उनको शब्द के रूप में परिभाषित करते हैं। मुझे लगता है कि शब्द की जो एकदम इनिशियल जो परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़े और थोड़ा इसको स्पष्ट करें, जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए, वह एक सार्थक अर्थपूर्ण शब्द हो, अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकेगी। ऐसे ये उदाहरण के तहत इसको समझाया गया है कि यहाँ पे देखिए चार शब्द है, पहला शब्द है कलम, दूसरा है कमल, तीसरा है लमक, चौथा है लकम, ठीक है। चार उदाहरण दिए गए और इनमें से अगर मैं आपको पूछूं क्या ये चारों हिंदी के शब्द हैं, तो इनमें से कोई जवाब देना चाहेगा, हिंदी के शब्द नहीं, क्योंकि हम चारों को हिंदी का शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि पहला शब्द का अर्थ तो है कलम, दूसरे का है कमल, ये दोनों का सेंस आता है, एक का मतलब पेन होता है, एक का मतलब लोटस होता है, लेकिन हिंदी में लकम और लमक का कोई मतलब नहीं है। लकम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते, ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं है, इसीलिए क्या हम इनको शब्द कह सकते हैं, नहीं, हम इनको शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थ देने की जो स्टैंडर्ड है, जो कसौटी है, उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरते, ये कोई अर्थ को एक्सप्रेस नहीं करते, प्रकटित नहीं करते, इसलिए हम इनको शब्द नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप याद रखिए, केवल वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि वर्णों का सार्थक समूह जो कोई अर्थ देता हो उसे ही हम भाषा के अंतर्गत शब्द की परिभाषा रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा विषय और जटिल होता जाएगा, जटिल इन द सेंस की गूढ़ होता जाएगा, आप इसको ध्यान से सुनेंगे।
शब्द जो है, वैसे तो शब्द बहुत प्रकार के शब्द हैं, अलग अलग आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आपका चैप्टर है उसके अंतर्गत जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा विशेषण क्रिया आदि शब्द निश्चित तथा स्पष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। संज्ञा, संज्ञा आप जानते हो, नाउन विशेषण एडजेक्टिव क्रिया जो है वर्ब, ये जो शब्द होते हैं ये कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं, इसलिए इनको कोशीय या लेक्सिकल शब्द कहते हैं, ठीक है। और ये शब्द काफी हद तक सार्वभौम होते हैं। सार्वभौम का यानी हर भाषा में ये शब्द आपको मिल जाएंगे, जैसे कि घोड़ा है, बुरा है, दौड़ना है, तो अरबी में भी आपको घोड़ा, घोड़े के लिए कोई ना कोई शब्द मिलेगा, इंग्लिश में बुरा के लिए कोई ना कोई शब्द मिलेगा, फ्रेंच में दौड़ने के लिए कोई ना कोई शब्द मिलेगा। तो ये जो नॉर्मल जो घोड़ा एक संज्ञा है, बुरा एक विशेषण है, दौड़ना एक क्रिया है, ये सार्वभौमिक शब्द है और ये कोशीय शब्द कहते हैं। कोशीय यानी आपको शब्दकोश में ये शब्द मिलने ही मिलने हैं, शब्दकोश में आपको ये शब्द मिल जाते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है प्रकार्यात्मक या फंक्शनल। इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए क्यों इनको प्रकार्यात्मक कहा गया, क्योंकि इनकी प्रकृति अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होती और हर भाषा में वो एक सा शब्द नहीं होता, अर्थात ये शब्द सार्वभौमिक नहीं होते। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण देके मैं समझाऊंगा कि तो का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, वो आया तो क्या हुआ, हम तो, तुम तो, है ना, तो का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में द का प्रयोग होता है ना, द पर्सन, द कंट्री, द का प्रयोग हम लोग करते हैं, द मून। और हिंदी और अंग्रेजी में योजक क्रमशः शब्द एंड और है, हिंदी में और योजक है, इंग्लिश में एंड। संस्कृत में प्रत्यय जैसा रूप च दोनों संज्ञाओं में जुड़ता है, इस तरह तमिल में दोनों संज्ञाओं में उम जुड़ता है, जैसे अगर दो संज्ञा को जोड़ा हिंदी में राम और सीता, योजक शब्द क्या है, और है। संस्कृत में राम और सीता को जोड़ा तो आ गया च, रामश्च, ठीक है। और तमिल में दोनों संज्ञाओं को जोड़ने के लिए शब्द है वो है उम, रामनुम सीतयुम। तो आप देख रहे हैं, तो क्या योजक शब्द तमिल में, संस्कृत में, हिंदी में एक जैसे हैं? नहीं है। इंग्लिश में द का प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है, द जैसा कोई संकल्पना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये शब्द फंक्शनल होते हैं, यानी अलग अलग भाषा में उस भाषा की प्रकृति के आधार पर उसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप कहें कि नहीं मैं एंड का समान रूप शब्द हिंदी शब्दकोश में ढूंढूंगा तो आपको हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलेगा, और मुझे भी, ही, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हिंदी के जो मैं इंग्लिश में ढूंढूंगा कि कहाँ है, तो उस रूप में आपको इंग्लिश शब्दकोश में नहीं मिलेगा। तो ये कोशीय शब्द नहीं है बल्कि ये प्रकारात्मक, प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल शब्द होते हैं। जी क्लियर। तो दो प्रकार के शब्द हमने यहाँ देखे, और शब्द और अर्थ का अभी हम संबंध थोड़ा देखेंगे आगे। आमतौर पर हमारी यह धारणा है कि हर शब्द का एक अर्थ होता है, जैसा हम जानते हैं कि हर शब्द एक अर्थ देता है और हर अर्थ के लिए एक शब्द बनाया गया। इस संदर्भ में ये बात आपको कही जाती है कि सभी प्रचलित शब्दों का एक अर्थ क्षेत्र होता है जिसमें अर्थ का विस्तार भी होता है, ऐसा फिक्स नहीं है। अगर आप भाषा का अध्ययन करेंगे तो भाषाज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि एक शब्द का जो अर्थ विस्तार होता है वो सिर्फ एक अर्थ में सीमित नहीं होता है बल्कि उसका अर्थ का बहुत विस्तार होता है। कैसे विस्तार होता है क्या देखेंगे, उदाहरण देखें तो उनको समझ में आएगा। जैसे हिंदी में क्रिया है आना, ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए क्या शब्द है, कम, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है। आने का मतलब आपको पता है कि कोई आ रहा है तो हम बोलते हैं आना, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आना की अर्थ चेष्टा है रेलगाड़ी, सॉरी नींद आती है, नींद आती है, रेलगाड़ी में चलते स्टेशन आते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी में चलते स्टेशन आते हैं, हमें किसी पर तरस आता है, मुझे उस भिखारी पर तरस आ गया, या हमें किसी पर तरस आता है, किसी काम में अड़चन आती है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है। देख रहे हैं ना आना क्रिया का कैसे अलग अलग प्रयोग किया गया, लेकिन इंग्लिश में क्या वो हम कहेंगे कि कम स्लिपी, कम स्टेशन, कम प्रॉब्लम, नहीं,
अब वहां पे अर्थ शब्द बदल जाते हैं, जैसे नींद आ रही है तो फील स्लीपी, स्टेशन आ गया तो रीच स्टेशन, समस्या का सामना किया तो फेस प्रॉब्लम, समस्या आ रही है तो फेस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कम का इस्तेमाल नहीं होता। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आना शब्द का कैसे आना क्रिया का भाषा में उसका अर्थ का विस्तार कैसे होता है। यहाँ दूसरा एक उदाहरण दिया है, देखिए बात, बात को अगर मैं कहूं तो आप क्या कहेंगे कि भाई बात का मतलब है टॉक या स्पीच या कोई कन्वर्सेशन, नॉर्मली इसका सेंस वही होता है, लेकिन इसका कैसे अर्थ बदलता है, कोई कहता है कि वाह क्या बात है, ठीक है, तो किसी ने बहुत सुंदर नाच नृत्य दिखाया, डांस दिखाया या गाना दिखाया, तो डांस या गाना कोई बात नहीं होती है, लेकिन आपके मुंह से क्या निकलता है, वाह क्या बात है, उसका मतलब आप उसकी कलाकारी को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन प्रयोग कर रहे हैं बात, कोई बात नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी, यहाँ पे मतलब कुछ हो नहीं पाया, बात नहीं बनी, मेरी उनसे बात नहीं हुई, यहाँ पे बात का मतलब बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कोई बोलता है उसका मतलब क्या है कि मतलब अरे तुम इस तरह की बातें कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, इट्स ओके, अच्छी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा। तो आप देख रहे हैं ये एक बात का जो क्रिया है बातचीत वाली, उसका अलग अलग वाक्यों में कैसे इसका अर्थ का विस्तार हुआ है और कैसे अलग अलग इसका प्रयोग किया गया। तो इस स्लाइड के माध्यम से मैंने बताना चाहता हूँ कि शब्द का अर्थ तो होता है लेकिन अर्थ का विस्तार भी होता है, और अर्थ जो है भाषा विज्ञान की कसौटी में अगर आप कसेंगे तो आप पाएंगे कि अर्थ जो है एक शब्द के अंदर कई अर्थ भी निकल के आते हैं, और अर्थ का मॉडिफिकेशन या प्रयोग के साथ साथ उसका स्वरूप जो है वो बदलता भी है, ठीक है, और यह हर भाषा की अपनी प्रकृति के आधार पर होता है, पता नहीं, अगर आप खुद ही आप इसके बाद कक्षा के बाद सोच के देखिए कि उड़िया भाषा में कैसे शब्दों का रूप बदलता है, ठीक है, हिंदी भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है, अलग अलग संदर्भ में होता है, ये आप खुद सोच के देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास आपके डे टू डे कन्वर्सेशन में भी मिल जाएंगे। अब ये विलोम या विपरीत शब्द है जो हम लोग कक्षा में पढ़ते थे स्कूल में कि विलोम शब्द है दिन रात, मोटा पतला, गोरा काला, तो यहाँ पे ये बताया गया कि एंटोनिम्स जो है वो विलोम शब्द, इसकी परिभाषा देना बड़ा कठिन है अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, व्याकरण ग्रंथ में विलोम के नाम से जो उदाहरण देते हैं उन पर जरा नजर डालें, जैसे हम कहते हैं उपस्थिति अनुपस्थिति, इसमें विपरीत शब्द का बोध होता है, जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा, अन्य उदाहरण है स्त्री पुरुष, खाली भरा असली नकली, अच्छा बुरा, इन दोनों शब्द का ध्रुवीय संबंध है, इसलिए हर बिंदु के एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा, ठीक है, तो अच्छा कम बुरा ये है, तो इसमें क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक शब्द अगर हमने कहा तो एग्जैक्टली उसका विपरीत शब्द क्या होगा, उसका विपरीत शब्द क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा ये बताना, उसकी परिभाषा देना बहुत कठिन काम, ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि सुबह, ठीक है, सुबह सुबह का हम लोग शाम बोलते हैं, वैसे दिन का हम लोग रात बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हम कहें गोरा तो कोई कहता है काला, ठीक है, तो गोरा का हम सांवला भी बोल सकते हैं, ठीक है, मीठा, मीठा का विपरीत हम लोग कहते हैं खट्टा, ठीक है, तो मीठा का हम लोग विलोम जो है खट्टा की जगह कड़वा भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, मीठा खट्टा विलोम है स्वाद में, और मीठा और कड़वा वो भी विलोम है स्वाद में, ठीक है, तो किस आधार पे आप उसका उसको ये करते हैं, उसके भी अलग अलग ये है, जैसे उपसर्ग लगा के उसको अपोजिट करना, उपस्थित अनुपस्थित, है ना, न्याय अन्याय, इस तरीके से विलोम शब्द गढ़े जाते हैं और आमतौर पे एक भाषा में एक प्रचलित हो जाता है कि इसका विलोम क्या होगा या इसका विपरीत शब्द क्या होगा, इसके लिए बट निश्चित इसको परिभाषित करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है, इसको आप और थोड़ा पढ़ेंगे पुस्तक में तो आपको और विस्तृत जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब यह होमोनिम्स, होमोनिम्स यानी समरूपी शब्द, समरूपी क्या है, शब्द समरूपी क्या है, तो यहाँ पे समरूपी का मतलब है कि एक शब्द का
एक से ज्यादा अर्थ। ऐसा आपने यमक अलंकार पढ़ा है, पढ़ा है यमक अलंकार, जैसे बड़ा प्रसिद्ध बिहारी का दोहा है, कनक कनक से सो गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बोराए नर वो पाए बोराए। तो यहाँ पे एक शब्द है कनक और उसका एक से ज्यादा अर्थ है। एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतुरा। वैसे ही गुरु ने कहा सेंधक लाओ और चेला नमक लेके आ गया, ठीक है। सेंधक का मतलब घोड़ा भी होता है और सेंधक का मतलब सिंधा नमक भी होता है। गुरु ने घोड़ा मंगाया और सिंधा नमक लेके आ गया। तो यहाँ पे इसको हम श्लेष कहते हैं। श्लेष का मतलब होता है एक शब्द के अंदर एक से अधिक अर्थ चिपक कर रहना, ठीक है, और प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ निकल के सामने आ जाता है। किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया गया, उस संदर्भ में उसका अर्थ सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये है समरूपी शब्द। अगला है अनेकार्थी शब्द, इसको हम पॉलीसेमी कहते हैं। पॉलीसेमी देखिए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फल वृक्ष के पूरे वर्ष के विकास का परिणाम है, इसी तरह हम कार्यों के फल की भी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनेकार्थी, एक शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलकर सामने कैसे आता है वो भी देखिए। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें फर्क है कि इसका प्रयोग क्या आता है। वैसे हम फल का मतलब समझते हैं क्या, फ्रूट, ठीक है, पेड़ में जो लगता है फ्रूट, लेकिन हम उसका क्या कहते हैं, कर्मों का फल कहते हैं, नहीं तो कर्मों का फल का मतलब क्या, कर्मों का फ्रूट नहीं, कर्मों का फल मतलब रिजल्ट ऑफ योर डीड, ठीक है, आप जो काम करते हैं उसका रिजल्ट। स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होता है, खंबा, है ना, पिलर, जैसे भवन किसके ऊपर खड़ा हुआ है, स्तंभ के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे हम कहते हैं कि हम व्यक्तियों को भी आधुनिक मनोविज्ञान के स्तंभ कहते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि निदेशक इस संस्थान के स्तंभ है, तो क्या वो पिलर है, पिलर के रूप में खड़े, नहीं, यहाँ पे उसका सांकेतिक अर्थ क्या है कि ही इज द की पर्सन और ही इज द मेन पर्सन, जो कि पूरे संस्थान को होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं, इसलिए हम उनको स्तंभ की परिभाषा देते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तीन स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका और तीसरा कुछ और है, और चौथा जो है मीडिया स्तंभ है, यानी उसको होल्ड करके रखते हैं। वैसे चिराग का मतलब होता है दिया, लेकिन जब हम कहते हैं बच्चा घर का चिराग है तो मतलब क्या है, उसी से घर रोशन है, उसी से घर जो है प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, घर में चहल पहल है, तो घर का वो चिराग है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी संस्था की जान बन सकता है, जान मतलब क्या है, यानी वो व्यक्ति उस संस्था की जान है, ठीक है, यानी कि उसका बहुत ज्यादा उस संस्था में महत्व है। कोई शहर किसी क्षेत्र का हृदय प्रदेश कहला सकता है, हृदय प्रदेश यानी हार्टलैंड या हृदय कहलाता है, तो क्या वाकई में उसको हार्टलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल प्लेस है, कैसे हम कहते हैं संबलपुर जो है पश्चिम उड़ीसा का हार्टलैंड है या हृदय प्रदेश है या हृदय है। तो इन उदाहरणों से आप शायद समझ गए होंगे कि पॉलीसेमी का मतलब क्या है, एक शब्द का विभिन्न संदर्भों में उसका प्रयोग करना जिससे कि उसके अनेक अर्थ निकल के सामने। वैसे पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स जो हम पढ़ते आए हैं स्कूल से बचपन से, कि जैसे एक शब्द का कमल क्या होता है कि भाषा में ज्यादातर एक शब्द, एक या दो शब्द, एक शब्द का एक या दो रूप जो है ज्यादा प्रचलन में आता है, और उसके जो दूसरे समरूपी शब्द होते हैं या पर्यायवाची शब्द होते हैं वो प्रयोग में तो कम आते हैं लेकिन वो रहते हैं, उनका प्रयोग ज्यादातर। जैसे एक उदाहरण ले कमल, तो आपको पता है कि लोटस को, अगर आपको विद्यार्थी अंग्रेजी का पूछे कि लोटस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ लोटस को कमल ही कहते हैं, ठीक है, आपको समझ रहे हैं कमल है। लेकिन एक हिंदी के विद्यार्थी को पता है कि कमल के लिए राजीव शब्द का भी प्रयोग होता है, ठीक है, जलज का भी प्रयोग होता है, नीरज का प्रयोग होता है, पंकज का, वारिज, पदम आदि कई नाम है। तो ये सारे जो है कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन ज्यादातर ये शब्द जो है संकेत शब्द होते हैं और साहित्य आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आम लोग व्यवहार में जो मूल शब्द होता है वही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण दें धरती, तो हम लोग अर्थ के लिए धरती का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन मही है, वसुधा है, इन शब्द का प्रयोग साहित्य में होता है, कविताओं में होता है,
लेकिन आम बोलचाल में हम लोग वस्तुतः का प्रयोग कम ही करते हैं। तो ये पर्यायवाची है जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। अब हम आते हैं शब्दों के प्रकार पर, जो आपके यूनिट नंबर 9.5 का है शब्द के प्रकार। तो कई दृष्टियों से शब्दों के प्रकार की हम चर्चा कर सकते हैं। मैं जैसे बताया कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे भाषा विज्ञान की, तो शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का निर्माण, ठीक है, शब्द की प्रकृति, उन सब आधार पे हम शब्दों का अध्ययन कर सकते हैं। शब्द बने कैसे हैं, क्या वो देशज है, विदेशज है, आगत है, यौगिक है, योगरूढ़ है, तो अलग अलग प्रकृति के आधार पर उसकी प्रकार की चर्चा की जा सकती है। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और देशज आदि शब्दों की चर्चा हम कर सकते हैं। स्रोत यानी सोर्स, कहाँ से शब्द आया, तो आप सभी जानते ही हैं, पहले ही पढ़ चुके होंगे बीए में। और इसमें कि तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं, तत्सम कहते हैं वो शब्द जो संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में लिए गए, या संस्कृत से उड़िया में लिए गए, या संस्कृत से दूसरी आधुनिक आर्य भाषाओं में लिए गए, लेकिन उनका रूप नहीं बदला, रूप जैसा है वैसा ही रहा, जैसे अमृत। और दूसरे उदाहरण बहुत सारे हैं तत्सम के, आप ले सकते हैं, जैसे अचानक ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ तत्सम। और बाद में अगर वो शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए तो उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे आप, मुझे याद आ रहा है दुग्ध, दुग्ध क्या है, संस्कृत शब्द है, वो तत्सम शब्द है, लेकिन दुग्ध बोलने में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो बाद में उसका रूप थोड़ा सा बदल गया और उसको सरल उच्चारण क्या बन गया, दूध, दूध जो है तद्भव है। वैसे उष्ट्र, उष्ट्र, उष्ट्र तत्सम है, ऊंट, उष्ट्र से बना ऊंट। रात्रि, रात्रि तत्सम, रात तद्भव, ठीक है। तो भाषा जटिलता से सरलता की ओर चलती है ना, जब आप भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे तो तत्सम शब्द भी हिंदी में लिए गए जैसे के तैसे, लेकिन उनका प्रयोग कम होने लगा और तद्भव यानी उसके उच्चारण में थोड़ा सा परिवर्तन करके जो शब्द आ गए उसे हम तद्भव कहते हैं। और दूसरा देशज जो है, देशज आप जानते हैं जैसे लोटा, गाड़ी, पगड़ी, ठीक है, तो ये संस्कृत से नहीं लिए गए या दूसरी भाषाओं से नहीं आए हिंदी में, बल्कि लोगों ने अपने गांव देहात में या आम बोलचाल में अपने प्रयोग के आधार पर उन शब्दों को गढ़ लिया, गढ़ लिया यानी बना लिया, जैसे लोटा बना लिया, पगड़ी बना ली, है ना, तिकड़ी, है ना, इस तरह के जो शब्द हैं तिकड़ी या और भी बहुत सारे आप शब्द ढूंढेंगे, उसका कोई सोर्स नहीं है, वो देश में ही बने, देशज, देशज यानी देश में जात या देश में उत्पन्न। अब अगला जो आधार है वो है अर्थ के आधार पर, हम पर्याय विलोम आदि पर चर्चा कर सकते हैं, हमने किया अभी ना, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द बताए, विलोम शब्द बताए, समरूपी शब्द बताए आपको, और संज्ञा सर्वनाम आदि वर्गों की प्रकार्य के आधार पर अगर हम शब्दों की चर्चा करें तो प्रकार्य कैसा है, संज्ञा है, कोई शब्द संज्ञा है, ठीक है, नाउन, कोई शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, कोई शब्द विशेषण है तो कोई शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है, तो उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। और अलग अलग इन प्रकारों की हम चर्चा इस इकाई में करेंगे। अब परंपरागत व्याकरण शब्दों की रचना के आधार पर हम तीन वर्गों में बांटते हैं। अगर व्याकरण, परंपरागत व्याकरण के आधार पर हम देखें तो इसको हम तीन वर्ग में बांटते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द का मतलब होता है फिक्स्ड होना, कोई अर्थ के लिए कोई एक शब्द का फिक्स्ड, उसे हम रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और अगर हम उसको तोड़े या उसको हम ब्रेक करें तो उसमें से हमको और कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता है, यानी रूढ़ शब्द अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और किसी एक चीज के लिए, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए वो शब्द जो है फिक्स्ड हो जाते हैं, इसलिए हम उसको रूढ़ कहते हैं, ठीक है। और हम उसको ब्रेक करें तो हमको सिर्फ वर्ण मिलेंगे, अक्षर मिलेंगे,
ध्वनियां मिलेंगी लेकिन दूसरा कोई शब्द नहीं मिलेगा, यानी कि ये शब्द स्वतंत्र है। और यौगिक शब्द क्या होता है, अब एक से अधिक शब्द रूपों से निर्मित होते हैं, यानी अगर हम इसको यौगिक शब्द को तोड़े, जैसे यौगिक नाम से मालूम चलता है यौगिक मिलके बना हुआ, तो हमको स्वतंत्र शब्द हमको दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण हम लेंगे, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है जैसे लोटा, लोटा शब्द को अगर आप तोड़े तो आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा, तो रूढ़ है, ठीक है, कोट है, भारत में प्रयोग में लाया था, उस कोट के लिए हम लोटा कहते हैं, मैंगो के लिए हम आम कहते हैं, आग के लिए हम नयन कहते हैं, तो ये शब्द रूढ़ है, अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन जब हम यौगिक शब्द देखेंगे महाकाश, तो महाकाश का मतलब है महा, महान और आकाश, दोनों शब्द मिला करके महा यानी बड़ा, आकाश यानी स्काई, तो महाकाश बना है, जिसका मतलब दूसरा है। महात्मा, महान आत्मा, जलोदर, जल उदर, जल और उदर मिला करके जलोदर बना है। तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं तत्सम यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, इनकी भरमार है। जैसे एक वाक्य अगर हम यहाँ पे भी देख लें कि परंपरागत, ये क्या शब्द है, मैं आपको पूछूं तो आप कहेंगे नहीं सर ये यौगिक शब्द है, इसमें परंपरा और गत मिल करके बन रहा है। व्याकरण को भी अगर हम तोड़े तो इसको भी, ये भी यौगिक शब्द है। शब्द को अगर हम तोड़े तो शायद ये हमको रूढ़ शब्द के रूप में मिले। तो हर शब्द को अगर आप इसको देखेंगे तो शब्द या तो यौगिक है या रूढ़ है, और रूढ़ और यौगिक की अगर कैटेगरी में वो नहीं आता है, उस श्रेणी में नहीं आता है, तो तीसरी जो श्रेणी है वो है यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़ क्या होता है, इसको हम योग रूढ़ भी कहते हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ को इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड कहा जाता है, अंग्रेजी में इसके लिए कंपाउंड वर्ड है। और कैसे इसकी परिभाषा, इसमें योग रूढ़ देखेंगे यहाँ पे आप, कि योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द हैं जो खंड के अलावा भी दूसरे अर्थ देते हैं, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल विशेष अर्थ में किया जाता है। जैसे लंबोदर, लंबे उदर वाला, इसका पेट लंबा और वो लंबोदर हुए। ये योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे कि रूढ़ तो आपको समझ में आ गया, आसान है, जैसे हवा, बकरी, नीम, ये सब रूढ़ है, ठीक है। वैसे ही यौगिक शब्द आपको समझ में आ गया, विद्यालय, विद्या का आलय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय, विद्या का मतलब है ज्ञान और आलय का मतलब है घर। वैसे हिमालय, हिम यानी वर्ब, आलय मतलब घर, हिम का आलय हिमालय। रमेश, रमा इष्ट, है ना, रमा का इष्ट, रमा यानी शिव और इष्ट मतलब प्रभु, रमा यानी पार्वती, ईश मतलब प्रभु, यानी इस शिव जी का नाम है रमेश। वैसे प्रधान आचार्य, प्रधान और आचार्य, प्रधान मतलब प्रमुख, आचार्य मतलब शिक्षक, पंडित यानी आचार्य, प्रधान आचार्य बन गया। तो ये तो आपको समझ में आया कि ये रूढ़ है, ये योग रूढ़ है, लेकिन यौगिक है। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है, दो शब्द अलग अलग होते हैं और दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उसमें एक शब्द यौगिक, एक शब्द रूढ़ हो सकता है। लेकिन विशेषता क्या है कि जब ये मिल जाते हैं तो उसका अर्थ जो है कुछ विशिष्ट हो जाता है, ठीक है, विशिष्ट हो जाता है, और किसी एक खास व्यक्ति के लिए, खास स्थान के लिए वो शब्द जो है फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे लंबोदर बताया गया, तो लंबोदर का मतलब क्या हुआ, लंबा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, लंबोदर मतलब क्या हुआ, बड़े पेट वाला, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो मोटा मोटा है या इसका पेट बड़ा है उसको हम लंबोदर नहीं कहते, बल्कि लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्पष्ट हो गया आपको कि यह शब्द लंबोदर गणेश जी के लिए तय किया गया, फिक्स किया गया। वैसे दशानन है, दस आनन, दस मुख वाला, तो दशानन हर किसी को नहीं कहते बल्कि रावण को ही कहते हैं। वैसे नीलकंठ है, ठीक है, नीलकंठ एक पक्षी है उसको कहते हैं, लेकिन नीलकंठ शब्द ज्यादातर किसके लिए प्रयोग में लाया था, नीलकंठ, कौन है नीलकंठ, शिव जी, उन्होंने विष का पान किया था, उनका कंठ नीला हो गया था, इसके लिए उनका प्रयोग, उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो ये है योग रूप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब वैसे ही देखो शब्द, यहाँ पे उदाहरण दिया है चमक, चमक शब्द को अगर आप ब्रेक करेंगे, चम यानी प्रकाश और क से निर्मित है चमक, ठीक है। तो इसके ये शब्द जो है लाइट के लिए फिक्स हो गया है चमक, इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे लेन देन, लेन देन लेना और देना, लेकिन अब उसका अर्थ जो है बदल गया है, दोनों को मिलाने के बाद लेन देन का मतलब जो है अब बदल गया है, लेन देन का मतलब है ट्रांजेक्शन करना, ट्रांजेक्शन, इसका द्योतक बन गया। तो ये है फर्क आपका यौगिक में, रूढ़ में, यौगिक में और योग रूढ़ में। और थोड़ा आप अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, कोई डाउट होगा तो आप
इसके लेक्चर के एंड में आप पूछ सकते हैं, मैं और स्पष्ट कर दूंगा आपको। वैसे अब हम देखेंगे संयुक्त शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त संस्कृत भाषा में भी सरलीकरण के उद्देश्य से मूल क्रिया के स्थान पर संज्ञा प्लस कार की रचना प्रचलित हो गई थी। हिंदी भाषा में ये विरासत के तौर पर चली आ रही है। संयुक्त शब्द की ये प्रक्रिया समास से इसे अलग करती है। हिंदी में अंग्रेजी मूल क्रिया के स्थान पर करना होना सैकड़ों शब्द बनते हैं, ठीक है। तो संयुक्त शब्द कैसे बनते हैं, इसमें जैसे हेल्प मदद करना, सहायता करना, ये संयुक्त शब्द है। ट्राई कोशिश करना, यत्न करना। रेन, रेन का मतलब बारिश होना। क्लोज बंद करना, बंद होना। स्टार्ट शुरू करना, शुरू होना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक संज्ञा और एक क्रिया दोनों का प्रयोग यहाँ पे किया की गई है और ये दोनों को मिला करके ये संयुक्त शब्द बनते हैं। जैसे कोशिश करना, बारिश होना, बंद करना, शुरू करना, तो इसे हम संयुक्त शब्द की परिभाषा में इसको रखते हैं। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे समास की ओर। समास क्या है, समास क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको होगी। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उसे हम समास कहते हैं। अर्थात जब कोई दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों को ही समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं और ये शब्द जब मिल जाते हैं उनको, संधि और समास दोनों आपस में विपरीत है। संधि का मतलब तोड़ना और समास का मतलब है जोड़ना, ठीक है। इसमें समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को हम जोड़ करके एक नए शब्द का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं और वो शब्द समास सामसिक शब्द कहते हैं और उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम समास कहते हैं। समास रचना प्राय दो पद अथवा दो शब्द होते हैं, ठीक है। दो ज्यादातर जनरली इसमें दो पद या दो शब्दों को रखा जाता है। जैसे घुड़सवार, एक सरल सा उदाहरण दिया गया है, घुड़सवार। तो घुड़सवार को अगर हम इसको समास करें तो क्या आएगा, घोड़े का सवार, घोड़े पर सवार घुड़सवार, ठीक है। तो जो घोड़े पर सवारी करता है उसके लिए शब्द गढ़ा गया घुड़सवार। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को आखिरी पद कहते हैं, आखिरी पद या उत्तर पद कहा जाता है। साथ ही समास पद या समस्त पद बनने पर दो शब्द को विभक्त करने वाली विभक्तियां, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को अलग करते हैं, का, के द्वारा, को, के लिए, या, और, पर, से, में आदि, ये लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पूर्व पद घोड़े का सवार के लिए, घुड़सवार, इसका समास किया तो घोड़े का सवार। तो घोड़े पूर्व का पूर्व पद और सवार जो है वो है उत्तर पद, ठीक है। और ये बीच का जो शब्द रहता है इसको हम क्या कहते हैं, ये विभक्तियां हैं जो दो शब्दों को जोड़ती हैं। और जब समास हो जाता है, दोनों शब्दों का जब जुड़ाव हो जाता है, तो बीच में से ये जो शब्दों को अलग करने वाली जो विभक्तियां होती हैं ये लुप्त हो जाती हैं, यानी इसको हटा दिया जाता है। अब घोड़े का सवार का को हटा दिया और इसका घोड़े का रूप घुड़ हो गया और ये शब्द बन गया घुड़सवार। ऐसे बताया गया घुड़सवार इक्वल टू घोड़े का सवार, घोड़े पूर्व पद और का विभक्ति और सवार उत्तर पद। अभी हमें नया समास शब्द घुड़सवार बनाने पर का विभक्ति का लुप्त हो गए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब समास दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है, दोनों शब्दों के बीच कोई ना कोई व्याकरणिक संबंध होता ही है। इस तरह समास से हम समास में वाक्य रचना की ओर ले जाते हैं। अगर हम समास का वर्गीकरण करें तो इसके चार रूप है, एक अंत केंद्रित समास और एक वही केंद्रित समास, और अंत केंद्रित में द्वंद समास और कर्मधारय समास आते हैं और वही केंद्रित में तत्पुरुष और अव्ययीभाव समास आते हैं। अंत केंद्रित रचनाएं पदबंध के भीतर काम करती हैं, पदबंध के भीतर विस्तार करती हैं। द्वंद समास में दो शब्दों के बीच और या का संबंध होता है, जैसे ऋषि मुनि, ऋषि मुनियों का देश द्वंद समास, या मैं चाय या कॉफी कुछ भी ले लूंगा द्वंद समास। ध्यान दें समस्त पद प्रकारीय दृष्टि से एक शब्द है और इस कारण लिंग वचन कारक का प्रत्यय केवल अंत में जुड़ेंगे। अगर समास का विग्रह हो जाए तो दोनों स्वतंत्र शब्दों की तरह प्रयुक्त होंगे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, मैं आपको आगे और दिखाऊंगा तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा समास जो है ये अपने आप में एक पूरा बड़ा चैप्टर है और इसको आपको
पूरा अध्ययन मतलब करना चाहिए कि समास जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है शब्द रचना के अंदर, तो इससे जो है शब्दों का रूप बदलता है, शब्दों का गठन होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है, तो कैसे होता है और उसमें द्वंद्व क्या है, कर्मधारा क्या, तत्पुरुष अव्ययभाव क्या है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और इन सारों की विस्तार में चर्चा करना यहाँ एक घंटे के व्याख्यान में संभव नहीं है। ये आपको पढ़ना है, बस इसके जो खास मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बता दूं कि छह भेद माने गए हैं समास के, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। और इसमें खास जो इसकी जो आप कहें कि किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे, तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है तो पूर्व पद, ये मैंने बताया घोड़े, घोड़े पूर्व पद है, इसमें प्रधान होता है अव्ययभाव में, ठीक है। तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाकी तीनों जो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में उत्तर पद यानी जो बात का जो पद है वो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, वो प्रधान होता है। द्वंद समास में क्या होता है, दोनों शब्द समान होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, दिन रात है ना, दिन और रात, दिन रात, ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, इसमें यानी दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई भी पद का महत्व नहीं होता है, बल्कि जब जुड़ जाता है तो उसमें तीसरा पद जो है वही प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में, ठीक है। तो ये समास थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं कि आगे हम देखेंगे कि और क्या इन चीजों का को हम ले सकते हैं इस व्याख्यान के अंतर्गत। शब्द वर्ग, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शब्द की चर्चा समाप्त करते हैं हम शब्द वर्ग के बारे में भी अवलोकन करें, ठीक है। एक और आप इसको कह सकते हैं कि कैटेगरी शब्दों की, ठीक है। शब्द वर्ग का संबंध शब्द वाक्य संरचना से, हम जानते हैं कि शब्द ही पदबंध की संरचना करते हैं और जो वाक्य विन्यास की सबसे छोटी इकाई, शब्द से शब्दबंध बनते, पदबंध बनते हैं और पदबंध से वाक्य विन्यास होता है, वाक्य का निर्माण होता है। तो परंपरागत व्याकरण हिंदी में और संस्कृत में भी शब्दों की चर्चा दो रूप में की गई है, ठीक है, एक है विकारी और एक अविकारी, ठीक है, विकारी और अविकारी। और विकारी का मतलब क्या है, आपको आपने एक शब्द सुना होगा विकार, हिंदी में भी है और उड़िया रे भी हो, उड़िया रे भी हो कि नहीं, विकार, विकार मतलब कण लग से, मैंने खराब मतलब ज्यादा देख लिया, विकार लग से बोलते हैं कि नहीं उड़िया में। तो शब्दों का अर्थ देखिए कैसे बदलता है, वहां पे विकार का मतलब है घृणा आना, पसंद नहीं आना, लेकिन यहाँ पे संस्कृत से जो ये शब्द उठाया गया है इसका मतलब होता है विकार यानी जिसमें परिवर्तन आए, ठीक है, और अविकारी यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। विकारी शब्द फ्लेक्सिबल है, उनमें परिवर्तन आता है, अविकारी जो है वो रिजिड है, फिक्स्ड है, उनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो विकारी के अंतर्गत कौन कौन से शब्दों को हम लेते हैं व्याकरण की दृष्टि से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाबोधक, एक क्रिया, क्रिया, ठीक है। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध कारक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब अविकारी शब्दों में आते हैं। अब विकारी शब्द व्याकरणिक कोटियों के कारण रूप सिद्ध होते हैं और लिंग, वचन, काल, पक्ष आदि व्याकरणिक विशेषताएं करते हैं। सर्वनाम विशेषण शब्द मुख्यतः संज्ञा पदबंध की रचना करते हैं। मैं स्लाइड पे नहीं जाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल संक्षेप में थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि आपको ये फर्क समझ में आ जाए कि सर ये कैसे आपके मन में ये आ रहा हो कि कैसे विकारी है और कैसे अविकारी है। जैसे एक वाक्य, एक वाक्य हम लेते हैं, राम घर जा रहा, ठीक है, राम घर जा रहा है, तो आप देखेंगे इस वाक्य में राम जो है संज्ञा है, ठीक है, और घर जो है वो भी एक संज्ञा है, और जा रहा है, जा रहा है क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो संज्ञा होती है और जैसे लड़का, लड़का शब्द अगर संज्ञा है तो लिंग, वचन और क्या है, लिंग, वचन, काल, पक्ष आदि दृष्टि से इनमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे लड़का,
लड़के लड़का लड़कियां, ठीक है, लड़कियों ने लड़कों ने, कहते हैं ना, तो लड़का शब्द में परिवर्तन आया, नदी नदियां परिवर्तन आया, ठीक है, ये विकारी शब्द है। बस सर्वनाम, सर्वनाम जैसे कहते हैं मैं मेरा हमारा, मैं एक सर्वनाम है, उसे परिवर्तन आता है, मैं तू तुम तुम्हारा आप अपना परिवर्तन आया। विशेषण जैसे मोटा मोटे, मोटा लड़का मोटे लड़के परिवर्तन आया, और क्रिया रूप में भी परिवर्तन आता है, ठीक है, क्रिया के रूप में भी, जैसे जा रहा है जा रही है परिवर्तन आया, लिंग बदला, लड़का के लिए जा रहा है लड़की के लिए जा रही है। लेकिन ये जो अभिकारी शब्द होते हैं ना, जैसे संबंध कारक जो चिन्ह है, जैसे मैं को के लिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। विस्मयादि बोधक शब्द है जैसे अरे वाह, ये सब जो शब्द है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। समुच्चय बोधक शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और वैसे क्रिया विशेषण जो शब्द है इनमें लिंग वचन और काल के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इनको अभिकारी शब्द कहा जाता है। आप इसको किताब खोलिए, व्याकरण की किताब पढ़िए, और साथ में आप भाषा विज्ञान की किताब पढ़िए, तो आपको समझ में इनमें कैसे परिवर्तन आता है और इनमें परिवर्तन क्यों नहीं आता है, और इनमें परिवर्तन किस आधार पर आता है और इनमें परिवर्तन किस आधार पर नहीं आता है। ये सब आप जब पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे तो आपको ये चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिया कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। अब हम देखें थोड़ा सा और, ये समुच्चय बोधक शब्द संयुक्त मिश्र वाक्य के योजक होते हैं। संबंध कारक शब्द के लिए के पीछे, के बाद, से पहले आदि परिसर द्वंद्व की रचना करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द जो मैंने बताया आपको, वाह आय आदि वास्तव में लघु वाक्य है। इस तरह के मूल क्रिया विशेषण शब्दों को छोड़ दे तो सभी अधिकारी शब्द वाक्य की संरचना के तत्व है, इसलिए आधुनिक भाषा विज्ञान इनके साथ एक प्रकारात्मक शब्द या फंक्शनल वर्ड की संज्ञा है। फंक्शनल वर्ड यानी प्रकारात्मक शब्द जो है इनमें परिवर्तन होता रहता है, फ्लेक्सिबल है ना, और भाषा के प्रयोग के आधार पर इनमें इनका फंक्शन या इनका प्रकृति या इनका रूप बदलता रहता है। अधिकारी शब्दों के प्रयोग को हम वाक्य विन्यास के विश्लेषण के संदर्भ में अच्छी तरह जान सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे पद, ठीक है, ये इस व्याख्यान का जो अगला पार्ट है, ये पद है, ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा इसमें मैंने इसको कॉम्पैक्ट किया है और बताने का प्रयास करूंगा कि आप शब्द और पद, ठीक है, शब्द तो हमने देखा, स्टार्टिंग हमने वर्ण से किया था, वर्ण में हमने स्वर व्यंजन आदि देखे, फिर हम शब्द पे आए और शब्द की पढ़ाई की। अब शब्द के कोई कुछ बोल रहा है, ऑडिबल मेरा व्याख्यान आ रहा है ना? जी सर, जी सर, आ रहा है आपका व्याख्यान, आ रहा है, किसी बच्चे ने गलती से अनम्यूट कर लिया। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पद पे आते हैं। पद क्या है? जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तो वह पद बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है, कारक वचन लिंग पुरुष आदि इत्यादि में बनकर हम शब्द पद बन जाता है। सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे, या सीता ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयोग होकर पद में परिवर्तित हो गए, ठीक है। अभी बहुत सिंपल है, इसको समझने के लिए ज्यादा आपको नहीं है। वैसे शब्द और पद में कोई विशेष अंतर नहीं है। शब्द क्या है? स्वतंत्र, मैंने पहले ही बताया कि एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शब्द का अस्तित्व है, ठीक है। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उनकी व्याकरणिक परिभाषा बदल जाती है। जैसे आपको पता है कि सीता जो है शब्द ही है, गाती जो है शब्द ही है, और है भी जो है शब्द है, ईश्वर शब्द है, रक्षा शब्द है, करे शब्द है। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो गया तो अब इनका, इनको हम पद या भी पद में बदल गए। पद में कैसे बदल गए? अब हम इनको वाक्य नहीं कह करके, अब हम सीता को क्या कहेंगे? सीता को हम कहेंगे संज्ञा, और गाती है को कहेंगे क्रिया। इनका रूप बदल गया, वाक्य में इनका अस्तित्व बदल गया, ईश्वर संज्ञा, रक्षा करे क्रिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूरा पद परिचय आपको इस वाक्य का देना है तो आप देखेंगे कि
राम आम खा रहा है, इस वाक्य में राम और आम शब्द पद परिचय है संज्ञा और खा रहा है पद का परिचय है क्रिया। ठीक है, तो राम क्या है, इस पद का परिचय है संज्ञा, पद बन गया और इसका परिचय है संज्ञा, क्या ये नाउन है, ये संज्ञा है। जैसे राम खा रहा है इसका पद परिचय है क्रिया, इसका पद परिचय है क्रिया। तो जब हम इसको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो सिर्फ वो शब्द नहीं रहते हैं बल्कि शब्द के स्थान पर वो लिंग वचन सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि को दर्शाने लग जाते हैं। ठीक है, और उसी को हम पद कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है शब्द और पद का, और थोड़ा इसको स्पष्ट करें। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे हम पद कहते हैं, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तब इसका रूप भी बदल जाता है, इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम पद कहते हैं। जैसे राम आ रहा खा रहा, राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, सभी एक एक पद है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप में ये शब्द होते हैं, वाक्य में जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और ये पद कहलाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे राम आम खा रहा था, राम के स्थान पर अगर हम सीता रख दें उदाहरण के तौर पर, तो क्या हो जाएगा, सीता एक पद है और आम एक पद है, और खा रहा जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा और क्या हो जाएगी, संज्ञा के आधार पर उसकी लिंग बदल जाएगी और क्या होगा, वो खा रही है सीता आम खा रही है बन जाएगी। ठीक है, तो ये फर्क है शब्द और पद में। और थोड़ा अगर हम इस टेबल के तहत देखें तो क्या अंतर है, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, आपको जैसा बताया मैंने, वर्णों से मिलकर बनता है शब्द और ये एक इंडिपेंडेंट और एक सार्थक इकाई है, इकाई यानी यूनिट है अपने आप में। ठीक है, लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है, पद का जो है स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं, जब वो शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो पद बन जाता है और उसका अस्तित्व वाक्य के अंदर ही है, वाक्य से मुक्त होते ही पद फिर से शब्द बन जाते हैं। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द का एक अर्थ परिचय होता है कि एक शब्द जो है वो एक अर्थ देता है, एक अर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन पद का हम लोग उसका डेफिनेशन सिर्फ व्याकरणिक तौर पे हम दे सकते हैं, ग्रामेटिकली हम उसको पद का परिचय देते हैं कि भाई ये पद जो है ये संज्ञा है सर्वनाम है एक वचन में है बहुवचन में है क्या है, उसका पद का जो परिचय वो व्याकरण के आधार पर दिया जाता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, हालांकि सार्थक जो चीजें होते वही उसका मतलब होता है, निरर्थक शब्दों का तो कोई मतलब नहीं होता है। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, क्योंकि पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, वो इंडिकेट करता है किसी न किसी अर्थ को। शब्द का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, पद का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से संबंध होता है, क्योंकि शब्द यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, मुक्त है, स्वतंत्र है, तो उनका लिंग से वचन से कारक से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन पद का संबंध होता है, लिंग से होता है, वचन से होता है, कारक से होता है, क्रिया से होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि राम की जगह अगर मैं सीता रख दूं तो यहाँ पे ये पद बदल जाएगा, तो खा रहा है का सीधा संबंध किससे है, राम से, क्योंकि राम एक वचन में है और पुलिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या है खा रहा है। अगर ये स्त्रीलिंग हो जाए और एक वचन हो सीता आम, तो यहाँ पे क्रिया बदल जाएगी खा रही है। अगर यहाँ पे हम लड़के रख दें, राम के स्थान पर लड़के रख दें, तो आप क्या करोगे, लड़के आम खा रहा है होगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, लड़के आम खा रहे हैं। तो खा रहे हैं पद जो है क्यों बदल गया, क्योंकि यहाँ पे एक वचन नहीं है, बहुवचन है और पुलिंग है, बहुवचन है और पुलिंग है। और यहीं पे अगर हम राम के स्थान पर लड़कियां रख दें तो यहाँ पे क्रिया का रूप कैसे बदलेगा, लड़कियां आम खा रहा है नहीं, लड़कियां आम खा रही हैं, खा रही हैं किसके ऊपर निर्भर किया, कर्ता पे या संज्ञा पे, कर्ता पे या संज्ञा के ऊपर वो निर्भर करता है कि वो पुलिंग है वो स्त्रीलिंग है वो एक वचन है वो बहुवचन है, उसके आधार पे पद बदलता है। तो यहां मैंने ये पॉइंट नंबर 4 पे बताया कि पद का लिंग वचन और कारक और क्रिया से संबंध होता है। अब जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे वैसे आप और स्पष्ट आपको हो जाएगा कि पद क्या होता है और पद में परिवर्तन किस आधार पे होता है और शब्द से पद जो है
कैसे उस वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक और हम उदाहरण लेते हैं, ये मैंने आपके बुक से लिया है कि उस लड़के ने कुत्तों को मारा। मैं बार बार उदाहरण आपको इसलिए देता हूँ, अधिक से अधिक उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ कि चीजों को तो आप की परिभाषा तो आप जान लें, परिभाषा आप सीख लें, लेकिन उसको स्पष्ट आपके दिमाग में वो आ जाए कि सर ने क्या बताया और क्या बताना चाह रहे थे, इसलिए मैं उदाहरण दे देता हूँ और उदाहरण के माध्यम से चीजें स्पष्ट हो जाए। एक उदाहरण है, उस लड़के ने कुत्तों को मारा, इसमें क्या क्या शब्द है? इस मूल शब्द नहीं है, उस गलती से इस लिखा हुआ है उस। तो अगर हम उस शब्द का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, उस शब्द का अगर हम उसका थोड़ा सा उसकी उसको विच्छेद करें और उसका उसकी कुंडली विचारें, तो उस शब्द जो है मूल शब्द नहीं है बल्कि यह का तिर्यक रूप है। यह शब्द का यह तिर्यक रूप है। लड़के भी लड़का का तिर्यक रूप है, लड़के भी अपने आप में मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द क्या है? लड़का, उसका तिर्यक रूप है लड़के। जो ने का कारण एकारांत में बदल गया है, ने लड़के ने कुत्तों को मारा। इस वाक्य में आए हुए मूल शब्दों का कोशीय रूप इस प्रकार है, अगर हम इनके मूल शब्द निकालें तो मूल शब्द क्या आएगा? मूल शब्द आएगा यह का तिर्यक रूप है उस। ये आपको थोड़ा अलग नया लग रहा होगा लेकिन आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम जो है यह से बना है, यह से उस, लड़का से लड़के, ने स्थिर है, ने जो है वो अभिकारी शब्द है, संयोजक है, ठीक है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। कुत्ता, ये भी कुत्ते गलत दिया है, मूल शब्द है कुत्ता, कुत्ता से कुत्ते और कुत्ता से कुत्तों, वो अभिकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समुच्चय बोधक है, जोड़ने वाला संयोजक है। मारा, मार क्रिया से मारा, मार क्रिया से मारा। तो व्याकरणिक रूप से ये मूल शब्द है और इनमें आप देखेंगे कि जब ये पद के रूप में वाक्य में प्रयोग हो गए, ये पद बन गए, तो इनमें कैसे परिवर्तन आया? उस लड़के ने कुत्तों को मारा, ठीक है। तो अब थोड़ा और स्पष्ट हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अब आप देखेंगे तो इवन 10th क्लास की बुक में भी आप फॉलो करें तो उसमें ये सब चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वाक्य में आपको पद का परिचय देना है। एक वाक्य दे दिया और आपको उसमें जितने शब्द आएंगे वो पद के रूप में आप उनको परिचय देना है कि क्या है, तो उसमें उनको बताना होता है कि उस क्या है, निर्देशवाचक सर्वनाम वह का तिर्यक रूप, संज्ञा पदबंध में संज्ञा का विशेषणवत् प्रयोग और एक वचन है, लड़के क्या है, अकारांत है, पुल्लिंग एक वचन संज्ञा शब्द का विकारी रूप, कर्ता या कर्म पदबंध में आ सकता है, वैसे ने क्या है, कर्ता पदबंध सूचित करने वाला पर्सन है, कर्ता पदबंध को सूचित करने वाला पर्सन है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा हम तो देखते हैं कि एक वायरस है तो हम कहते थे कि कोरोना वायरस, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो बायोलॉजिस्ट आपको क्या करेगा, पूरी उसकी श्रेणी बताएगा ना, ये किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी का वायरस है ना? और उसका पूरी उसकी फैमिली हिस्ट्री आपको बता देगा। वैसे ही यहाँ पे आपको ये उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री की किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, ये व्याकरण के तहत इसका इस प्रकार से परिचय दिया जा सकता है, परिचय है। फिर कुत्तों का भी दिया हुआ है, कुत्तों का आकारांत पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा का विकारी रूप, संज्ञा पदबंध का शीर्ष है, को परसर्ग कर्म पदबंध का द्योतक है, मारा इस वाक्य में कर्म को के कारण अभिकारी शब्द सामान्य भूतकाल में है, मारा और पूर्ण पक्ष है। इस तरह पद का परिचय वाक्य में पदों के विभिन्न प्रकारियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, इससे हम वाक्य में उनका स्थान और प्रकार समझ सकें। इस तरह पद की संकल्पना रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान हेतु सेतु है। इस तरह अगर हम पद की संकल्पना को देखें तो रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान के बीच में सेतु का काम वो करती है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इस तरीके से पदों का परिचय हम दे सकते हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है कि मैं आपको एक एक शब्दों का जो यहाँ पे व्याख्या की गई है उसको मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको ये व्याकरण की दृष्टि से आपको जानना चाहिए कि पदों का परिचय हमको कैसे प्रस्तुत करना है, वाक्य में पदों का क्या स्थान है और किस तरह से जो है पद जो है इसे संकल्पना रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान के बीच में एक सेतु का काम। तो इसके साथ ये
व्याख्यान आज का मैं समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो कुछ मैंने किया होगा, जो चर्चा हमने आज की है स्पष्ट हो गया होगा। और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि कोई भी अगर आपके प्रश्न हैं इससे संबंधित तो आप पूछिए, जहां तक संभव होगा मैं उसको आपके डाउट या शंकाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत ज्ञानवर्धक लगातार हिंदी साहित्य अलग अलग भागों करे बहुत बड़ा हो जाता है, तो विद्यार्थियों के साथ मुझे भी मौका मिल जाता है बहुत सारी चीजें रिकॉल करने का, बहुत सारी चीजें समझने का। तो मैं समय भी ज्यादा नहीं लूंगा, भाषा विज्ञान ऐसे जटिल विषय है कि विद्यार्थी प्रश्न अपने लिख के टैगों को नहीं पूछ सकते, विद्यार्थियों को सीधा मैं करूंगा, कोई भी सीधे सीधा आकर के आपसे पूछ सकते। विद्यार्थियों का आमंत्रण करता हूँ कि अपने आप अपने माइक को अनम्यूट कर दो, जो भी उनका प्रश्न आपके आज के बारे में पूछ सकते। कुछ प्रश्न डाले इन्होंने, वो कहाँ पे आ रहा है चाहे तो आप अभिषेक पढ़ सकते हो, क्या प्रश्न है? हेलो, आवाज आ रही? जी सर, आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ हाँ, मैंने म्यूट कर दिया था ये गलती से। हाँ, क्या प्रश्न है? अभिषेक सर, आपका माइक म्यूट है सर। हाँ अभिषेक जी, जी सॉरी सॉरी, आपका स्क्रीन आ रहा है, मुझे लग रहा है माइक खुला हुआ है। क्या प्रश्न है कोई? जी जी, कोई लक्ष्मी प्रिया मिश्रा जी पूछ रही है कि रूढ़ यौगिक और यौगिक रूढ़ शब्द में क्या फर्क है, मैं फर्क क्या है? एक मिनट में देख रहा हूँ सर, रूढ़ यौगिक और यौगिक रूढ़ शब्द में फर्क क्या है? जी, लक्ष्मी प्रिया मिश्रा है या छोड़ चली गई है अभी मीटिंग में? है सर वो। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ उसको बताने का। हाँ, एक तो आप थोड़ा सा इवन आप जो क्लास 9-10 की ग्रामर बुक देखेंगे तो आपको और भी लक्ष्मी प्रिया जी इसका और स्पष्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यौगिक और यौगिक रूढ़ शब्द में फर्क क्या है। हाँ, जो मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि यौगिक शब्द जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि महात्मा, ठीक है, एक उदाहरण लीजिए तो महात्मा शब्द कोई अगर आपको पूछे कि ये यौगिक है या योगरूढ़ है तो आप क्या कहेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द जो है यौगिक है, यौगिक है ना, दो शब्द मिलके बना है, महान और आत्मा मिलके बना, महान और आत्मा इसको मिलके बना है, इसलिए हम कहेंगे कि यौगिक है। लेकिन इसको हम योगरूढ़ शब्द इसलिए कहते हैं कि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया, ठीक है, किसके लिए रूढ़ हो गया? गांधी जी के लिए, हम गांधी जी को ही महात्मा कहते हैं, इसलिए इसको हम योग रूढ़ की कैटेगरी में, योग रूढ़ की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि और दूसरी चीज से, लेन देन एक शब्द मैंने बताया था, लेन क्रिया देन क्रिया, लेना और देना, ये दोनों क्रिया का जो है ये शब्द मिलकर के ये एक यौगिक शब्द बना, लेन देन आपको लगे यौगिक है, लेकिन ये लेन देन आज की तारीख में बैंकिंग में ट्रांजेक्शन के लिए रूढ़ हो गया, ठीक है, बैंकिंग में ट्रांजेक्शन के लिए रूढ़ हो गया। और इसके अलावा जो शब्द ऐसे किसी खास चीज के लिए रूढ़ नहीं होते हैं वह सारे शब्द जो है यौगिक है, जैसे हम कहें कि स्वराज, स्वराज का मतलब स्व का राज, खुद का शासन, ठीक है, तो स्वराज जो है यौगिक शब्द है। आत्म प्रकाश, सूर्य प्रकाश, धर्मात्मा, उच्चारण, स्थान, ये सारे शब्द जिसको आप खंडित करें, खंडित करने से भी आपको एक सार्थक शब्द मिले, ठीक है, सार्थक शब्द जब आपको मिले तो आप उसको यौगिक शब्द कह सकते हैं, ठीक है। और रूढ़ शब्द जो होते हैं वो खास, तो रूढ़ का आपने पूछा नहीं है, रूढ़ शब्द जो है अगर उनको तोड़े तो उसका कोई और अर्थ, उसमें सिर्फ हमको वर्ण मिलते हैं
और कोई शब्द हमको मिलता नहीं। तो आपने पूछा था योगिक और योगरूढ़ में क्या अंतर है, बेसिकली योगिक योगरूढ़ भी जो है बेसिकली यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन उसका अर्थ जो है किसी विशेष व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, क्रिया के लिए, किसी चीज के लिए जब रूढ़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो हम उसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला और कोई? जी सर, मैं इसीलिए भी सीधे सीधा आप से प्रश्न पूछ सके, ताकि प्रश्न विद्यार्थियों को भी समय ना लगे पूछने में और आपको भी समझने में आसानी हो। तो विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि प्रश्न पूछ सकते हैं सर से। हाँ, इसने आप सीधा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योत्सना साहू ने कुछ पूछा कि जान मैं बोल दो जो इनकल आप जाने के बाद में मैसेज की शायद आपको वो कल की कक्षा एक हुई थी उससे कल की कक्षा हाँ इसलिए मैंने कहा कि बात तो बात स्पीकर पे इस पे डायरेक्ट पूछ लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हैं जिसको कोई प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया है, 7 पार्टिसिपेंट बचे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके कोई भी शंका हो आप उसको पूछ लीजिए, हर चीज हर कोई जानता नहीं है, और अगर कोई शंका यहीं पे उसका निवारण हो जाए तो बहुत अच्छा है। और खैर विषय ऐसा है कि अगर आप उसको पढ़ करके और आपके जो डाउट है उसको आप क्लियर करें तो बहुत अच्छा है, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भाषा विज्ञान सिर्फ यहाँ पे ये जो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो क्लास हो रही है इससे पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे, आपको अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। खैर मैं आशा करता हूँ कि आज की ये कक्षा जो है ऑनलाइन कक्षा सार्थक रही होगी और जितने विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए लाभदायक रही होगी, और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, अभिषेक को धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि हम फिर मिलेंगे फिर कोई नए विषय के साथ, और अगले कक्षा में हम लोग फिर से किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों का तो पहले धन्यवाद क्योंकि उनके वजह से कोई कक्षा पूर्ण हो पाती है, विद्यार्थियों का धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। विद्यार्थी पर मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ क्योंकि बहुत लंबा सा गैप हो जाता है भाषा विज्ञान, जैसे रेगुलरली हम लोग बात करें तो साहित्य में आदि रीति के लेकर उपन्यास नाटक कि अलग अलग विधायक लोग लगातार निरंतर पढ़ते रहते हैं तो प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो कुछ होते हैं उसमें विषय हो जाता है, विज्ञान हो चाहे काव्य शास्त्र हो, तो इसमें गैप हो जाता है। तो ये दो कक्षाएं हैं, भाषा विज्ञान की कहें या काव्य शास्त्र की कहें, वो मेरे स्टॉन के लिए होती है। तो आपका धन्यवाद, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार निरंतर कक्षा के आरंभ से लेकर अब तक हमारे साथ बने रहते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू राधाकांत जी, लक्ष्मीप्रिया जी, स्वागतिका जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट। जी जी सर, सर 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 सुना सर, क्लास तो शर्मा मुईटा रिकॉर्डिंग ता तो माने स्टॉप करी के ना, आ जदी मोर मेल थी आसपा वाला मैं अपन को पठे दे फॉरवर्ड कर दन। हां मोते पठे देबे प्लस डॉक्टर शर्मा सर को भी पठे देबे। माने एटा अच्छा ना पठा, एटा जतो ओके हे जीवन ना ठीक है, काम थी से एडिटिंग एडिटिंग एटा अभिनंदन सारे देला पर पठे देबे सर को। ठीक हो जे, ठीक हो जे सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू स्वागत करना, थैंक यू, थैंक यू, हैव ए गुड लंच सर। हाँ स्वागत।